हेलो माय स्टूडेंट्स, आज हम आपको लेके आए हैं माय मदर एट 66 कंपोज बाय कमला दास की पोएटिक डिवाइसेस। और जब आप इस पूरी पोएम को पढ़ेंगे तो फाइंड आउट करेंगे कि इसमें सिर्फ चार तरीके की पोएटिक डिवाइसेस हैं, जिसमें आप सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, अलिटरेशन और रिपीटेशन पाएंगे। जैसे देखिए, यहाँ पर आप देखें, सिमिली, अगेन सिमिली, वंस अगेन सिमिली, आफ्टर दैट पर्सोनिफिकेशन, एलिट्रेशन और फिर रिपीटेशन। ये चार तरीके की यहाँ पे आपको फिगर ऑफ स्पीच मिलेंगी। अब हमको ये देखना है कि ये सिमिली कौन कौन सी लाइंस में है, तो आप अपनी पहले बुक देखें, खोलें बुक। यहाँ देखें आप, हर फेस एशन लाइक दैट। अब यहाँ पर आप फाइंड आउट करेंगे लाइक आया है तो यहाँ पर होगी सिमिली। यहाँ देखिए सिमिली, ये सिमिली हो गई, लाइक आया। दूसरी लाइन देखें, सी वाज एज ओल्ड एज, एज ओल्ड एज, तो यहाँ पे एज और एज आया है तो यहाँ पे भी क्या हो गई, ये सिमिली। तीसरी लाइन में देखें आप, यहाँ पर लेट विंटर्स मून से कंपेयर की गई है, एज एज लेट विंटर और यहाँ पर मून, तो यहाँ पे भी सिमिली हो गई आपकी। तो आप देखेंगे सिमिली आपकी तीन बार इस पोएम में आई हुई है। और सिमिली कहाँ पर होती है बच्चों, जहाँ पर लाइक, एज और सो होता है। ये तीन शब्द जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ पर सिमिली होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर यंग ट्रीज जो है, यंग ट्रीज छोटे छोटे पौधे, इन छोटे छोटे पौधों की कंपेयर की गई है ये दौड़ते हुए, कि अब छोटे पौधे कभी दौड़ नहीं सकते तो इसको पर्सोनिफिकेशन मान लिया गया है, मानवीकरण मान लिया गया है। ऐसा मान लिया गया है कि छोटे छोटे पौधे दौड़ रहे हैं तो वो पर्सोनिफाइड हो गया। अब देखो बच्चों, पर्सोनिफाइड क्या होता है, जहाँ पर ऐसे विचार जो बेजान होते हैं, जैसे पेड़ बेजान होता है और वो दौड़ रहा है, तो वो अब इंसान दौड़ता है तो वो उसको पर्सोनिफाइड कर दिया, हिंदी में बोलते हैं मानवीकरण। इसको ऐसा समझ लिया कि जान है पेड़ में जिसकी वजह से वो दौड़ रहा था, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन हो गया। दूसरा देखें आप, अब कोई ऐसा सेंटेंस जहाँ पर शब्द अलग अलग होंगे लेकिन वो एक जैसी आवाज़ निकालेंगे, सैड, सी, यू सून। अब तो देखो यहाँ पे बच्चों, सैड आया, सैड, सी, सून, तो ये हो गया अलिट्रेशन। अलिट्रेशन का मतलब होता है, हिंदी में बोलते हैं बच्चों, अनुप्रास अलंकार। आप लोगों ने जब छोटे रहे होंगे तो एक पोएम पढ़ी होगी, चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, तो वहाँ पे आप फाइंड आउट करेंगे चारू चंद्र, तो वहाँ पर होगा बच्चों अलिट्रेशन, अनुप्रास अलंकार, एलिट्रेशन होगा वहाँ पर। उसके बाद लास्ट में हम पढ़ते हैं, लास्ट की जो पोएम है उसमें आप देखेंगे स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, बार बार स्माइल स्माइल आ रहा है, उसके बाद डॉट डॉट आ रहा है, तो एक जैसा शब्द, एक जैसा शब्द जब बार बार रिपीट होता है, बार बार पुनरावृत्ति होती है, तो उसको बच्चों बोलते हैं रिपीटेशन, उसको बोलते हैं रिपीटेशन। देखो ये रिपीटेशन हो रहा है यहाँ पे, तो रिपीट उससे स्माइल 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 कई बार हो रहा है तो ये रिपीट हो रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि माई ब्रदर एट 66 में सिर्फ चार तरीके की पोएटिक डिवाइसेस हैं, सिमिली जो कि तीन बार रिपीट की गई है, फिर उसके बाद पर्सोनिफिकेशन जहाँ यंग ट्रीज को चलता हुआ माना गया है,
एलिट्रेशन, सी, सून, सैड, इस तरह का, और उसके बाद स्माइल स्माइल स्माइल, जहाँ पर कई बार एक ही शब्द रिपीट हो रहा है तो वो रिपीट हो रहा है। होप आप लोगों ने इस पोएम की सारी पोएटिक डिवाइसेस समझी होंगे। थैंक यू वेरी मच।